हाय गाइस, वेलकम बैक। फास्ट बॉलिंग मास्टर क्लास सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको रनअप से रिलेटेड, ग्रिप से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड बातें बताई। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हम कैसे अपना गैदर इम्प्रूव कर सकते हैं। गैदर के बाद जो हमारा आता है वो आता है फ्रंट फुट लैंडिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी फ्रंट फुट लैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड उसका क्या रोल होता है फास्ट बॉलिंग के अंदर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट फुट लैंडिंग के ऊपर कि क्या है फ्रंट फुट की सही लैंडिंग एंड कैसे आप अपने लेग को ब्रेस कर सकते हैं पेस इंप्रूव करने के लिए, और आपकी नी बेंड होती है तो उसका क्या असर होता है। आज हम उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। जनरली मैं जब बताऊं आपकी जो लैंडिंग है, जब आप फ्रंट फुट लैंड करते हैं तो जो आपकी नी है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए लैंडिंग के टाइम पे, जिससे क्या होगा ये एक तरीके से ब्रेक की तरह काम करेगी। जैसे अगर आप कार में या कहीं बाइक पर हो और एकदम आप ब्रेक मारेंगे तो आपकी जो बॉडी का मोमेंटम है वो आगे जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है जब आप भाग कर आए एंड जब आपके फ्रंट फुट पे आपने ब्लॉक किया, आपकी लेग ब्रेस हुई, तो जो आपकी पीछे की बॉडी है वो आगे पुश होगी, तो उससे क्या होगा आपकी जो बॉडी आगे तेज चलेगी, वेट ट्रांसफ़र होगा और आपका पेस इंप्रूव होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बॉलर के लिए कि आपका जो नी है वो एकदम स्ट्रेट रहे एंड उसके ऊपर से आप बोल डालें, उसके ऊपर चढ़कर बोल डालें। उससे आपकी एक तो हाइट में भी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी बॉलिंग की जो लेंथ है आपको बाउंस ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा एंड एक निप मिलेगा। कई बार जनरली हमने देखा है जो बॉलर्स आते हैं उनका जो हल्का नी बेंड होता है फिर उसके बाद वो स्ट्रेट होता है, तो वो चीज़ भी ठीक है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सही नहीं है वो आपके जब आप बोल्ड डालते हैं, आपके जो नी इतना बेंड रहता है ना, आप उसी के अंदर बोल्ड डाल देते हैं, उससे क्या होता है जो आपका जो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होता है वेट का वो नहीं हो पाता एंड आपकी बॉडी क्लैप्स करती है। आप उतना जो आपको आप पीछे जो आपको फोर्स लगाना है वो नहीं लगा पाएंगे। ये आपका फर्म होना बहुत ज़रूरी है। आपका जितना ही फर्म रहेगा उतना ही आपको पावर, आपको स्ट्रेंथ लगाने का मौका मिलेगा, उतना ही आप पेस इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जब आप आए तो आपका जो नी है एकदम लॉक रहे। अगर लॉक में नहीं है तो आप पढ़ के ये चीज़ आपको इस तरीके से आए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप रनअप में भाग कर आए, आपने बैक फुट पर लैंडिंग करी एंड जब आपका फ्रंट फुट आपका स्ट्रेट पड़ा तो जो आपकी एनर्जी है वो सामने ट्रांसफ़र हो रही है। अगर आपका नी बेंड हो जाता है तो जो आपकी एनर्जी है वो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, वो मतलब कम हो जाती है। तो आपको नी को स्ट्रेट रखना है एंड उसके बाद आपको मैं बोल्ड डालनी है सामने की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपका जो नी है वो ब्रेस्ड होता है एंड कैसे आपका जो नी है वो क्लैप्स होता है, दोनों जिससे आपको कि समझ आ सके। सो गाइज, मैंने अभी आपको जो दो बॉलें डाल के दिखाई है, पहली बॉल के अंदर जो मेरा नी था वो कलेप्स था एंड उसके अंदर पावर नहीं आ पाई एंड जो वेट ट्रांसफ़र जिस स्पीड में होना चाहिए वो नहीं हुआ। दूसरी बॉल के अंदर मेरा जो नी था एकदम स्ट्रेट था, लॉक था एंड जो मेरी पीछे की जो बॉडी है वो एकदम सामने पुश करा। तो नी का बहुत ज़्यादा रोल है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें जब आप बॉल डालने आए आपका जो नी है वो लॉक रहे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि आप इस नी को अचीव कैसे करें, कैसे आप उस चीज़ को नी को लॉक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप माइंड से इसको जरूर ध्यान रखें, फोकस रखें। जब आपको कोई भी ड्रिल है, सबसे जो आपका पावरफुल चीज़ है वो आपका माइंड है। मैं जनरली किसी भी ड्रिल से ज़्यादा अपना जो बोल्ड डालता हूँ, कुछ भी चीज़ मेरे को चेंज करनी है तो अपने माइंड से काम करता हूँ कि मेरे को माइंड में ध्यान में रख के क्या करना है मेरे को। कोई भी ड्रिल से सबसे इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका जो माइंड है वो सबसे पावरफुल चीज़ है। अगर आप ध्यान में रखेंगे, आपको किसी ड्रिल की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ध्यान में रख के धीरे धीरे आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही जो आपको ध्यान रखना है, जब आप बोल्ड डालने के लिए पैर की जो आपकी लैंडिंग है वो ऐसे हील पर लैंड ना करें। जब आप हील पर लैंड करके फिर आएंगे तो वो एक स्लो रहेगा, उसमें स्लो मोमेंटम रहता है, आपकी बॉडी स्लो होती है। जब आपको लैंड करना है तो जो आपका पूरा पैर है वो इस तरीके से लैंड करे, मतलब आपको बॉडी को इस तरीके से लैंड करना, आपकी तरफ खींचनी है बॉडी को। जब आप इसको इस तरीके से खींचेंगे तो जो आपके ऑटोमेटिकली जो लेग है, जो आपका नी है वो लॉक होगा। अगर आप ये करके करेंगे तो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करती उस चीज़ को, ब्रेक करती है। तो जब आपका जो लैंडिंग है पूरा पैर एक साथ लैंड करेगा, पूरा जो आपके स्पाइक्स है पूरे एक साथ लैंड करे सभी, ऐसे हील के बाद ये आएंगे तो वो ब्रेक होती है, आपकी नी कलेप्स होती है। तो ध्यान रखें उसको एकदम ऐसे आपको स्ट्रेट लेके आना है और उसके बाद आपको बोल्ड डालनी है। सबसे पहली ड्रिल तो ये है, आपको इस चीज़ को ज़रूर फोकस रखना है। सेकंड, आप अपनी इसको मसल मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। आप जहाँ पर आप बोल्ड डालते हैं उस जगह आकर अपना लेग को स्ट्रेट रखकर
इस पोजीशन को होल्ड करें। इससे क्या होगा, आपको एक आदत पड़ेगी धीरे धीरे, आपको पता लगेगा कि जो नी लॉक होती है वो कैसे फील होती है, उसको आपको कैसे अचीव करना है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, बोर्ड डालने से पहले 30-30 सेकंड दो से तीन सेट करें, आप इस पोजीशन में आपके होल्ड करें एंड फिर इस तरीके से एक्शन को कंप्लीट करें। तो ये शेडो वर्क बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बॉलर के लिए। आपको कुछ भी चीज़ इंप्रूव करनी है तो आपका शेडो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत मस्ट है, उसके बिना आप चीज़ ये अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी नी लॉक कब होगी, जब आपकी बॉडी में पावर और स्ट्रेंथ रहेगी। अगर आपकी क्वाड्स, आपकी ग्लूट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग वीक है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपकी बॉडी उस चीज़ को, उस फोर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, वो आपकी लेगी और ब्रेक करेगी नी को, क्योंकि वो उसमें पावर नहीं है, वो फॉल होगा होगा, वो कलेप्स करेगी करेगी। तो जिम में जाके ज़रूर अपनी लोअर बॉडी पे फोकस करें, अपनी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और अपनी थाई मसल को इम्प्रूव करें, काफ मसल को इम्प्रूव करें, जिससे आपको अपना ब्रेस लेग को अचीव कर पाए एंड बोल्ड डाल पाए। आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कैसे आप जिम में एक्सरसाइज करके आप ब्रेस फ्रंट लेग को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे लेग्स में आप पावर बना सकते हैं, उस चीज़ को मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊँगा। तो चैनल पर बने रहे एंड ऐसी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।